हेलो एवरीवन, मैं आप सभी को वाव मैथ्स के पूरी बुक के सॉल्यूशन कराऊंगी। आज चैप्टर वन स्टार्ट करती हूँ, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं पहले आपको वो पता होना चाहिए, व्हाट आर रैशनल नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं हम नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर आप सभी को पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम वन। नेचुरल नंबर्स, दीज आर नेचुरल नंबर्स। उसके बाद आपने ने होल नंबर्स किए। होल नंबर आपने कौन से किए, अगर आप नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो भी ऐड कर देते हो। क्या बताया मैंने, अगर नेचुरल नंबर्स में आप ज़ीरो भी इंक्लूड कर लेते हो तो वो आपका क्या बन जाता है, होल नंबर्स। नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो आर होल नंबर्स। नेक्स्ट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स में नंबर्स विच आर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, दीज आर इंटीजर्स, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर्स। उसके बाद है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हम करते हैं तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में डिनोट कर सको। मीन्स जिन नंबर्स को आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हो। कौन से नंबर्स, इंटीजर्स। इंटीजर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिसमें पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है। ये P और Q इंटीजर्स है, ये इंटीजर होने चाहिए। उसके बाद आप देखते हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में तो आप फ्रैक्शन को भी लेते हो, फ्रैक्शन को भी लेते हो, लेकिन फ्रैक्शन में क्या होता है, आप नेचुरल नंबर लेते हो, 1/2, 4/3, ये सारे क्या है, फ्रैक्शन में होते हैं। तो फ्रैक्शन और रैशनल नंबर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें हम नेचुरल नंबर लेते हैं और इसमें आप इंटीजर्स लेते हो। रैशनल नंबर में जैसे आपने लिखा -3/4, रैशनल नंबर में आपने क्या लिखा इधर, -3/4, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि इसमें मैंने माइनस लिया। अगर मैं प्लस लेती हूँ तब भी ये क्या है, रैशनल नंबर है। अब हम देखते हैं इसमें कि क्या जो फ्रैक्शन होता है वो रैशनल नंबर होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है, क्योंकि जो फ्रैक्शन है वो आपका पॉजिटिव में होता है और पॉजिटिव वाले भी आपके क्या होते हैं, रैशनल नंबर। एक जगह आपको बुक में लिखा मिलेगा नेगेटिव फ्रैक्शन, तो नेगेटिव फ्रैक्शन यानी इसमें दिया है कि जो रैशनल नंबर है वो किसका कलेक्शन है, इंटीजर्स का, फ्रैक्शन का एंड नेगेटिव फ्रैक्शन। आपने इससे पहले नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं सुना होगा, तो फ्रैक्शन में आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होने चाहिए। या फिर आप इसको सिंपली बोलो कि नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सको और जिसमें ये नंबर्स क्या होने चाहिए, ये इंटीजर होने चाहिए, तो वो क्या होंगे, रैशनल नंबर। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन। ए पार्ट है आपके पास -5/8, 0 एंड -6/8, -1/8, ये आपको लोकेट करना है नंबर लाइन पे। अब इसमें देखो डिनोमिनेटर सब में सेम है, तो बिल्कुल इजी है। यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो आप इस पे 1 लो, 2 लो या 8 लो, उससे कोई फर्क ही नहीं होना है। तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, ये आपके पास नंबर लाइन है, यहाँ पे ये आपका 0। अब आपके पास क्या है, -6/8, -5/8, -1/8। अब आप क्या करो, जितना भी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जितने भी पार्ट्स है, एक्चुअल में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो टोटल पार्ट्स होते हैं,
ये आप लोगों ने किया होगा 7th क्लास में, कि डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होता है, टोटल पार्ट्स, और जो न्यूमरेटर में है वो आपको शो करना है नंबर लाइन पे। तो यहाँ 8 है तो मैं 8 पार्ट्स करती हूँ इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो 8 वाला है उसको आप थोड़ा सा जैसे आपने 0 किया ऐसे ही थोड़ा लेंदी करो, ये 8 वाला है। अब इसमें आप करो -1/8, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा, -1/8। उसके बाद -5, 1 2 3 4 5, ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, -5/8। उसके बाद क्या बचा, -6/8, -6/8 ये क्या आपके पास क्या है, जो जस्ट नेक्स्ट नंबर है वो -6/8। इसमें ये ज़रूर आपको करना होता है कि आप जो भी नंबर शो कर रहे हो उसको आप सर्कल करोगे ताकि इजीली पता चल सके। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ये आपको शो करना है आप नंबर लाइन पे। तो इसको आप कैसे करोगे, डिनोमिनेटर में देखो 2 पार्ट्स है, फर्स्ट वी विल ड्रॉ नंबर लाइन। अभी आपका प्लस और माइनस दोनों है तो बीच में आपका ये कहीं सेंटर में क्या हो गया, 0। 2 पार्ट्स करने हैं। अब देखो 1 2, जैसे उस वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो 8th पार्ट था वो आपको थोड़ा लेंदी करना है, सेम इसमें भी आप क्या करोगे, जो 2nd पार्ट है उसको भी थोड़ा लेंदी करोगे, 1 2, उसके बाद 1 2 1 2 1 2, ये ऐसे सेम इधर आएगा आपका लेफ्ट साइड में, 1 2 1 2 1 2। अब उसके बाद आप नंबरिंग कर लो, ये 0 है, इसके बाद क्या आएगा, ये 1, ये आपके पास क्या आएगा, 2 3 4, -1 -2 -3, अप टू सो ऑन, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में होगा। अब आपको जो लेना है वो आप देख लीजिए, इसमें -1/2, तो ये क्या है, हाफ है, तो ये फर्स्ट पार्ट ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है -1/2, -1, ये आपके पास क्या है, -1। उसके बाद आपके पास कौन सा है, 1 2, -1/2, -1 ये हो गया। उसके बाद अब आपको हाफ लेना है, उसके बाद हाफ कौन सा होगा, ये, तो ये आपके पास क्या आ गया, -1 2 1/2। अब आपके पास क्या बचा है, पॉजिटिव वाला रह गया, 1 1/2 है, तो 1 ये है आपके पास, 1 1/2, हाफ क्या होगा, ये वाला पार्ट आपके पास क्या आ गया, 1 1/2। नेक्स्ट सी पार्ट इज दिस वन, 1 -5/6 -3/6 -1/6। अब डिनोमिनेटर इसमें क्या है, 6 है, तो टोटल 6 पार्ट कर लो, ये 0 हो गया, बोथ साइड्स में करना है, वैसे इधर ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ 1 है पूरा, लेकिन फिर भी करते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियरिटी हो। 1 2 3 4 5, 6th पार्ट को आपको क्या करना है, लेंदी करना है। एक्चुअल में क्या होता है, मैंने आपको 6 बोला है, तो ये मैं लेंदी करने के लिए किस लिए बोल रही हूँ, कि जैसे आप जब लेते हो 6/6 आपने लिया, तो ये कैंसिल होकर आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा ना, तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि इसको आप क्या करो, लेंदी करो। तो ये आपका 1 हो गया, तो 1 आपने ये डिनोट कर दिया, ये 1। उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस, इधर की साइड हमने नहीं किया है, 1 2 3 4 5 6, 6th वाला पार्ट क्या होगा, थोड़ा सा लेंदी लोगे, तो ये -6/6 लिखो, और आप इसको क्या लिख सकते हो, -1, ये भी कर सकते हो। अब जो पार्ट आपको लेना है वो कर सकते हो, ये आपका कौन सा पार्ट होगा, -1/6
थर्ड लेना है उसके बाद आपको 1, 2, 3, ये वाला आपका कौन सा हो गया, ये आपके पास हुआ -3/6, उसके बाद -5, ये वाला आपके पास क्या है -5/6। आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस -5/6 एज अ रैशनल नंबर विद द फॉलोइंग डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर ये होना चाहिए उसमें जो भी आपको गिवन है, और नंबर आपका क्या है -5/6। अभी आपने छोटे क्लासेस में भी किया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। क्या करते हैं हम कि जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर को अब जो नंबर गिवन है उससे डिवाइड करो, और जो डिवाइड करने के बाद आपके पास क्वेश्चन आएगा उससे आप नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। तो डिवाइड कैसे करोगे आप, 12 है, 12 डिवाइड बाय 6, डिनोमिनेटर आपका क्या है 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आया ये 2। जो गिवन नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अब मल्टीप्लाई ये तो है नहीं कि आप सिर्फ डिनोमिनेटर में करोगे, आपको बोथ साइड में करना, बोथ में करना होगा, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। इसमें आपको ये मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये क्या आया -10/12। अब देखो डिनोमिनेटर हो गया ना इसमें 12, आपको ये तो बोला था कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए। अब 18 का देखते हैं, इसमें -18 आना चाहिए, आप डिवाइड करोगे 6 से तो ये आपके पास क्या आया -3। अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो -3 से, -5/6 इंटू -3 डिवाइड बाय -3, तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या आएगा 5 3 15, -6 3 18। उसके बाद नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट में है 66। 66 को आप कैसे करोगे, 66 को डिवाइड करो पहले 6 से तो आपके पास क्या आया ये 11। 11 से अब मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है आपको, -5/6 इंटू 11/11, तो ये आपके पास क्या आया 55 माइनस और 66। उसके बाद आपके पास डी पार्ट, मैंने जो रब कर दिया था, डी पार्ट है -48। -48 होना चाहिए डिनोमिनेटर, तो सेम आप क्या करोगे इसमें -48 को अब डिवाइड करोगे 6 से तो ये आपके पास क्या आएगा -8। अब -8 से आप मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे, -5/6 इसको आप मल्टीप्लाई करो -8 से तो आपके पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40/। अब इसमें यहाँ देखो मैंने माइनस छोड़ दिया था, तो ये माइनस यहाँ भी आएगा -40/48। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो साइन होते हैं उसको आप बीच में ले सकते हो, बीच में कहाँ, जैसे आपने ये लिखा है -5/6, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस जो ये आपका होता है ना सेपरेट करने वाला लाइन सेगमेंट, उसके सामने भी लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि जिसमें हम साइन को इंक्लूड नहीं करते, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। हायर क्लासेस में आप इसको जाके देखोगे, इसको हम मोड बोलते हैं, कि इसके अंदर जो भी वैल्यू है ना वो प्लस है ना वो सॉरी इसके अंदर जो भी वैल्यू है ये माइनस में है, जब इससे ये मोड से बाहर आएगी तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये माइनस है तो जब ये मोड से बाहर आएगी तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या रहेगी इसकी, मैं इसको लिख देती हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी क्या रहेगी ऑफ -5/13 इज 5/13, क्योंकि जो साइन है वो आपको इंक्लूड नहीं करना है इसमें, माइनस साइन है वो प्लस ही रहेगा, और अगर ये प्लस होता तो तब भी आंसर क्या था
प्लस आता। अब बी पार्ट आपके पास है माइनस मोड 7 बाय माइनस 11। अब इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इसकी क्या होगी, माइनस मोड 7 बाय माइनस 11 इज। अब देखो माइनस तो ये मोड से बाहर है, तो ये आपको एज इट इज लेना है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना है, आपको इसके अंदर चेंज करना है। तो ये जो माइनस 11 है ये क्या हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा, तो आंसर विल बी माइनस 7 बाय 11। सी पार्ट आपके पास है मोड ऑफ 2 बाय माइनस 2 माइनस 5। अब इसके अंदर भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, वैसे भी आप अगर देखते हो तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, वैसे भी प्लस है, और एब्सोल्यूट वैल्यू रखनी है तो ये आपके पास क्या आएगी 2 बाय 5, क्योंकि माइनस आपको कैंसिल कर देना है। उसके बाद डी पार्ट है, डी में है 2 बाय 5 प्लस माइनस 10। अब इसके अंदर आप ये चीज़ ध्यान देना कि जब आपके पास डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हो तो आप एलसीएम लेते हो, 5 और 10 का एलसीएम लोगे तो आपके पास 10 आएगा। अब इसको आपको सोल्व करना होगा विद इन द ब्रैकेट, सॉरी विद इन द मोड। तो ये 5 और 10 का एलसीएम 10, 10 को आपने डिवाइड किया 5 से तो आपके पास क्या आया 2 इंटू न्यूमरेटर 2 इंटू 2, प्लस 10 को आपने 10 से डिवाइड किया 1 1 इंटू माइनस 1। अब ये आपके पास क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 10। अब इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो 3 बाय 10 की क्या आएगी, सेम रहेगी ये आपके पास 3 बाय 10, तो ये सेम रहेगी 3 बाय 10। नेक्स्ट है आपके पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको नोट करना है इनको। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, लोवेस्ट फॉर्म, यानी जिसके 1 से ज़्यादा डिवाइजर ना हो, मीन्स इन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों प्राइम नंबर आ जाने चाहिए, या फिर ये भी प्राइम, खैर ज़रूरी नहीं होता, लेकिन इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो इसके लिए हम चेक करते हैं पहले, अब इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी याद होना ज़रूरी है, 2 से डिवाइड होगा, ये दोनों नंबर सेम से डिवाइड होने चाहिए, और तो इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो 126 को, लेकिन 189 को नहीं कर सकते, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी क्या है कि अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 ये नंबर होते हैं तो वो 2 से डिवाइड होता है, तो इसमें 6 है तो ये वाला तो नंबर हो जाएगा डिवाइड, लेकिन इसमें 9 है तो ये डिवाइड नहीं होगा 2 से। फिर हम 3 से देखते हैं, 3 की डिविजिबिलिटी क्या है कि जो सम ऑफ डिजिट है ऑफ अ नंबर वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। सम ऑफ डिजिट कैसे, 1 प्लस 2 प्लस 6, ये डिजिट है, इनका सम अगर आप करते हो तो आपके पास क्या आया 9, इनका आपने किया तो ये आपके पास क्या है 9 प्लस 9 18, तो ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, मीन्स ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इसको आप कट कर लो, फिर माइनस एज इट इज चलेगा आपके पास, -3 4 ज़ा 12 3 2 ज़ा 6 3 6 ज़ा 18 3 3 ज़ा 9। अब ये आपको अगर वैसे दिखाई दे रहा तो वैसे भी आप कर सकते हो, अदरवाइज 3 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, इसको आप अब कट करोगे तो 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, माइनस एज इट इज 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा। अब ये आपको दिख रहा है किससे डिवाइड होगा, 7 से 7 2 ज़ा 14 7 3 ज़ा 21, सिंपल है। इसके बाद बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में 18 बाय माइनस 81, ये भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट 8 प्लस 1 9 8 प्लस 1 9, तो ये 3 से होगा 3 6 ज़ा 18 3 2 ज़ा 6 3 7 ज़ा। अब इसको फिर से कर सकते हो आप, 3 2 ज़ा 6
3 9 जा, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इसमें। उसके बाद सी पार्ट है आपके पास 65 डिवाइड बाय -104। अब इसको आप किससे डिवाइड करोगे, पहले इसको डिवाइड करके देखो। आप 2 से किया, 2 से ये हो रहा है, ये वाला नहीं होगा न्यूमरेटर वाला नंबर। फिर आपने इसको 3 से डिवाइड करके देखा, 3 6 प्लस 5 11, नहीं होगा ये। उसके बाद आपने 4 से करके देखा, 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो वो भी नहीं हो रहा है। 5 से क्या होता है, जो वंस प्लेस है वो 0 या 5 होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में 5 नहीं, इसलिए ये उससे भी नहीं होगा। फिर आप 6 से देखते हो कि जो 2 और 3 से हो जाए वो 6 से भी हो जाते हैं, लेकिन जब ये 2 और 3 से नहीं हो रहा तो 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा। अब ये होगा किससे फिर? अब इसके बाद आप क्या करोगे, 9 तक आपको, 11 तक आपको डिविजिबिलिटी पता है, तो 11 की डिविजिबिलिटी बता देती हूँ, 9 की और 3 की तो सेम ही होती है। 8 में जो लास्ट 3 डिजिट होती है उसको आप डिवाइड करके देखते हो 8 से। 11 में क्या होता है, जो ऑल्टरनेट डिजिट है उनका डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 हो, तो वो भी इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो न्यूमरेटर में वो नंबर 65 है, 66 होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप डायरेक्ट जो आपके पास प्राइम नंबर है उनसे डिवाइड करके देखो। तो ये जब 11 से नहीं हुआ तो इसको हम 13 से करके देखते हैं। अगर अब आपको 13 की टेबल आती है तो अच्छा है, अदरवाइज आपको करके देखना पड़ेगा। 13 5 65, 13 को करोगे, 104 को करोगे 13 से, तो ये आपके पास क्या आएगा, -8। उसके बाद लास्ट पार्ट है आपके पास 102 बी पार्ट, -102 डिवाइड बाय 119। अब इसके लिए अगर आपको टेबल आता है तो आपको एकदम से ये दिखाई दे जाएगा कि ये किससे डिवाइड होगा, और अगर आपको टेबल नहीं आती है तो फिर आप नहीं कर पाओगे इसको। ये आपका डिवाइड होगा 17 से, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 17 6 जा और 17 7 जा। ये आपका रिव्यू एक्सरसाइज मैंने करा दी है, आप प्लीज़ बताएं ज़रूर कि आपको कैसे लगा, आगे तभी मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी। थैंक यू।